एवं व्यापक भावे प्रभावित होता जिलार संख्या हूँ 14 एवं 14टा जिलार 108 गोटी ब्लॉक प्रभावित होती 1671 ग्राम पंचायत प्रभावित होती 31टा सहरांचल प्रभावित होती 31टा सहरांचल 426 वार्ड आंशिक किंबा व्यापक भाव में प्रभावित होती 81,896 लोक को इवाकुएसन कराइला किंतु प्रभाव जदि देखिबे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव में संपूर्ण प्रभावित होता लोकंर संख्या हूँ 35,95,015 35,95,015 प्रभावित लोक मान भितर जो मैंने स्थानांतरित होते से संख्या है 810,896 6,210 साइक्लोन रिलीफ सेंटर स्थायी एवं अस्थायी मिसेकरी कार्यक्षम थिला आज 10:30 सुधा कार्यक्षम थिवा रिलीफ सेंटर संख्या है 1178 लोक माने ता अर्थ होची लोक माने व्यापक भाव रे ये नॉर्मलसी आसला परे एवं बात्या गला परे फेरिबाटा आरंभ कलेडी ये समग्र प्रकरण रे रंधा खाद्य माध्यम रे उपकृत होतुबा लाभार्थी संख्या 810,896 आगुरु आम सूचना देचु जे ये रिलीफ सेंटर रे रोसई भोजन 7 दिन पर्यंत चलिबो जो मानकर घर आंशिक भाव रे क्षतिग्रस्त होई से समस्त को मध्य पॉलीथिन एवं अन्य सामग्री दिया ही सारी टिके कांथ सुखिबो एवं रहिबा उपयोगी हेबा पर्यंत से माने रिलीफ सेंटर साहाय्य नहीं पारिबे रिलीफ सेंटर रही पारिबे रिलीफ सेंटर रो भोजन व्यवस्था रे मध्य शामिल हो पारिबे जीरो केजुअलिटी बाबत रे काली मध्य माननीय मुख्यमंत्री कहिथिले आज मध्य सकाळ पर्यंत संख्या जीरो इतरे लाइफ स्टॉक जो मैंने प्रभावित हेले से मानकर संख्या हूँ 659,842 से आपणकर पोल्ट्री प्रभावित हबार संख्या हला 734,450 ये क्रम रे किछि जगह रे साप कामुडा रे लाइफ स्टॉक मध्य किछि एफेक्टेड हिचंती सेमानकर संख्या मध्य भद्रक रे 4टा जाजपुर रे गुटिए एवं केन्द्रापड़ा 7टा आपणकर क्रॉपलस जोटा प्राथमिक एसेसमेंट सेटा हला 1,25,091.7 नंबर ऑफ हाउसेस डैमेज फुल्ली सीवियरली एवं पार्शियली
मिसेई करी 5,839 डिस्ट्रीब्यूटेड खाद्य सामग्री जोटा सेटा हला चूड़ा 2,322.32 क्विंटल गुड़ 2,97.23 क्विंटल एवं पॉलीथीन रोल ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड सारा है 755 ये एथिरे रोसई खाद्यर चूड़ांत रिपोर्ट आसी ना जेहेतु हजारे रु अधिक रिलीफ सेंटर वर्तमान मध्य कार्यक्षम अच्छी नंबर ऑफ मेडिकल टीम डिप्लॉयड 335 नंबर ऑफ वेटरनरी टीम फाइनली डिप्लॉयड फाइनल फिगर है 201 डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य भद्रक केन्द्रापड़ा एवं बालेश्वर आंशिक भाव में प्रभावित होती बाबार रेस्टोरेशन रो काम मोटामोटी संपूर्ण हो गला वर्षा कमी गला एवं से क्रम मु आपण मान को जणवा पई चाहे जे बुढ़ा बलंग नदी रो जलस्तर आज 11 घटिका सुधा 7.56 मीटर अच्छी जहाँकि सतर्क स्तर विपद स्तर नुह सतर्क स्तर ठारु 0.35 मीटर ऊपर अच्छी सतर्क स्तर किछि ऊपर अच्छी एवं विपद संकेतर तले अच्छी आउ पानी आसीबाटा कमी गलानी एवं आमे आशा करूछु जे धीरे 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 करी जल निष्कासित हबाटा आहुरी गतिशील हम एवं संध्या पर्यंत ये सतर्क स्तर ढेर तलकु पानी स्तर पलि आसिबो कांस बांस नदी रो जल स्तर मध्य स्थिर अछि 7.86 मीटर रे स्थिर अछि एवं या आकु मध्य खसिबाटा आरंभ करिबो तेणु जो माने पानी घेर भितर अच्छा उभय जगार मूलतः बालेश्वर जो प्रभावित ब्लॉक रेमुना ब्लॉक रो 10टा पंचायत रो किछि पंचायत आंशिक किछि पंचायत व्यापक सदर पंचायत सदर ब्लॉक एवं सोरू ब्लॉक ये तीनटा ब्लॉक रो प्रभावित होता अंचल पानी स्तर मध्य गाँव में कमिबाटा आरंभ होलानी एवं आकु आज वर्षा उपर मुंडे तल मुंडे बंद हो गलानी बहुत जगार सुजा लोक भी लोक देखिले आम आशा करूँ जेटा मध्य संध्या सुध्या संपूर्ण नॉर्मल से आड़ को पहुँची जीव से स्पेशल रिलीफ कमिशनर से मध्य समस्त विभाग सचिव एवं जिलापाल मानकु क्षय क्षतिर पूर्णांग रिपोर्ट रिपेयरिंग पई किमा रेस्टोरेशन पई इंफ्रास्ट्रक्चर जोटा अच्छी विभिन्न डिपार्टमेंट रो से जिलार मानकु 2 तारीख सुधा 2 नवंबर 2024 सुधा पॉजिटिवली रिपोर्ट दाखिल करिया पई चिट्ठी लिखिचंती सेतिरे विभिन्न विभाग कहिले मध्य 14टा जिल्लार वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रूराल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंचायतीराज डिपार्टमेंट एनर्जी डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट फिशरी डिपार्टमेंट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एंड टेक्सटाइल ये विभाग मानक जो इनफ्रास्ट्रक्चर भित्तिभूमि क्षयति तार रिपोर्ट पठाईप जिलापाल मध्य
14 जिलार जिलापाल मानू 2 तारीख सुधा जो क्षय क्षति हो फसल क्षय क्षति एवं घर क्षय क्षति तार मध्य चूड़ांत रिपोर्ट पठाईपी से 2 नवेम्बर बेलू एसआरसी पाखे आसिक पहुँच आसंता काली जदि पाग ठीक ठाक रहे एवं पाग अनुमति दिए ताले माननीय मुख्यमंत्री एवं विभागीय पदस्थ अधिकारी माने आकाश मार्ग रे क्षय क्षतिर आकलन करने जीवे चूड़ांत रिपोर्ट आसला परे आमे उड़ीसार ये बात्या जहाँ को दाना बोलिकरी नामकरण कराई एवं तज्जनित बन्यार क्षय क्षतिर रिपोर्ट आमे केन्द्र को पहुँच पठेबू केन्द्र गोटे टीम आसिकरी से क्षय क्षतिर आकलन करिवे एवं यथाशीघ्र लोकंकर क्षतिपूरण प्रदान प्रक्रिया आरंभ हो जीवो ये क्रम आउ गोटे विषय उल्लेख करने चाहे जे एते बड़ बड़ योजना थिबा सत्वे राज्यर योजना एवं केन्द्रर योजना गरीब लोकंकु पक्का घर देवाई ता सत्वे देखुछु जे जेबे बन्या बात्या आसुची ये कुड़िया घर माटी घर चाळ घर यार क्षति निरंतर हो चली आमे सरकार क्षतिपूरण दौंस पुणी कुड़िया घर तैयारी होनी बन्या आसुची पुणी बन्या आसवा संगे दिहित घर पुणी नष्ट ये बाबद अध्ययन करने जिलापाल मानक जे एते बड़ योजना प्रधानमंत्री आवास योजना एवं राज्यर मध्य गरीब लोकों पर घर देवार योजना केते संख्यक एवं केते संख्यक कहीं पार्ला नहीं आमे प्रयास करिबु जे बन्या जेहेतु उड़ीसा पिछा छाड़ू ना बात्या छाड़ू ना एवं क्षय क्षति पिछा छाड़ू ना यार कौन स्थायी समाधान हो पार बाटी घर टाटी घर केते शीघ्र पक्का घर रे रूपांतरित हो पार से बाबद राज्य सरकार एवं राज्य सरकार पंचायतीराज विभाग ए बाबद होमवर्क आरंभ कला आम प्रयास करूँ जे बारंबार एम बात्या आसुव चाड़ घर मटी घर क्षतिग्रस्त होमें तैयारी कर भांगू थोड़ा यहाँ नहीं करमती कम से कम घर नष्ट न हो क्षय तार न हो से बाबद कौन स्थायी समाधान करा जाई पारिबो से बाबद उड़ीसा सरकार तांकर रोडमैप तैयारी कर ये बाबद देखो इटा प्रकृत सर्वे होता 2014 मसीह जो मैंने सामाजिक आर्थिक दृष्टि पछुआ एसीबीसी कहते सर्वे होता से सर्वेटा त्रुटिपूर्ण होता बहुत गरीब लोकंर ना से कटि जाइला बहुत संपन्न लोकंर नाम जोड़ी होता से तालिका को परवर्ती अवस्था थे फिजिकल भेरिफिकेशन करागला विभिन्न मापदंडर आधार रे एवं फाइनल जो लिस्ट तैयारी है प्रकृत में मूल लिस्टर संख्या कमिला संख्या बढ़ला नहीं किंतु जो मैंने बात पड़ी से जोड़ी हला नहीं ये क्रम आम ये विषय को केंद्र सरकार पाखकु नेबू एवं आमे तार सर्वे काम आरंभ करिबु जो थी प्रकृत बन्या एवं बात्यार जो जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट अच्छी केते भलिया घर अच्छी जोटा टिके वर्षा हेले बन्या हेले क्षतिग्रस्त हुए तार मध्य सर्वे करने निष्पत्ति थरे तार सर्वे रिपोर्ट आसला परे आमे पर्यायक्रमे चेष्टा करिवु जिमिति तार स्थायी समाधान हेबो एवं बन्या आसिले मध्य लोके पक्का घर रे सुरक्षित भाव रे रही पारिबे देखु मृत्यु सहित बात्या किंवा बन्यार
କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଭଳିଆ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି କି ଯେଉଁଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ତାର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଠି ଜଣେ 82 ବର୍ଷ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ରିପୋର୍ଟଟା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣା ହୋଇଥିଲା। ବୟସ କାରଣରୁ ସେ ଟିକେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଶୀ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଅନୁଭବ କଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଘରକୁ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବୁଝାବୁଝି କରିକିରି ଆଣିକରି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଥିରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ଏବଂ ଘାତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଜନିତ ବିଷୟ କେଉଁଟା, ଜଣେ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଯିବ, ବାହାରି ପାରିବନି, ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବନି, ତା'ର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ। ଜଣେ କିଏ ଘରେ ଥିବ, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିକରି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ। କେଉଁଠି କିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ଗଛ ପଡ଼ିଯିବ, ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ତାକୁ ହୁଏତ ଆମେ ଗଣିବା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଯଦି ସବୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନ୍ୟାୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ।